एंड काली दाल अच्छी सी मैं टाबा स्टाइल बनाऊँ, फिर मैं दाल को प्लान करके बनाऊँ तो फिर मैं रात को भी खोलूँ। एंड ऑफ द डे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर ले। सोल्ड आउट हो गया, सबने तो खरीद लिया। अब का एक पार्ट शूट हो चुका है, एक होना है, पर समय बहुत ज्यादा हो गया है, 2:36 है। सो आज की क्लीनिंग नंबर 2 होगी कंप्लीट। सो आई एम गोना रिलैक्स लिटिल बिट, ना सिर भी बहुत ज्यादा लगता है मुझे ये टाइनी किताब। हेलो मेरे प्यारे खूबसूरत दोस्तों, कैसे हालचाल है? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज ज़रूर से अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आपने ट्यून इन कर ली है मेरी वीडियो। जो भी मेरी वीडियो ऑन करता है वो खुश हो जाता है। खुश नहीं होता तो उसका माइंड सेट थोड़ा चेंज करने में मदद करती हूँ, लाइक पॉजिटिव करने में, क्योंकि मैं आपको वाइब्स भेजती हूँ पॉजिटिव हैप्पी वाली। शर्ण एंड दुखी रहने लिए बहुत सारी चीज़ें हैं नॉर्मल जिंदगी की चीज़ें बता के। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। सो आज लंच में मुझे कुछ बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे घर में कोई मेहमान आया है एक हफ्ते के लिए। तो वैसे तो हम लंच स्किप कर देते हैं, एक ही मील खाते हैं, पर आज जो मैं लंच में बनाने वाली हूँ दाल, उसी को हम डिनर में थोड़ा लेके जाएंगे और उसके साथ कोई सूखी सब्जी बना लेंगे। एंड काली दाल अच्छी सी मैं टाबा स्टाइल बनाऊंगी, दाल मखनी नहीं बना रही हूँ, बट यहाँ कुछ उसी किस्म का बनाती हूँ। वैसे तो मैंने दाल मखनी की रेसिपी बहुत बार बताई है, पर आज ना थोड़ा टाबा स्टाइल दाल बनेगी, दाल मखनी नहीं, पर वधिया स्वादिष्ट दाल बनाएंगे काली। इसमें मैं ये चने की दाल थोड़ी ज़्यादा ऐड करने वाली हूँ, इससे काफ़ी अच्छा बेस मिल जाता है उसको। एंड देन माँ की दाल मिक्स कर लेते हैं। मैं हमेशा दाल ज़्यादा बना लेती हूँ, हमेशा का काम कर मेरा ये। एंड थोड़े राजमा भी ऐड करेंगे इसमें, रैंडम और दालें ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सो लंच के लिए एंड डिनर के लिए दाल बनेगी। आज मेरे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है तो स्लो कुक नहीं कर पाएंगे। पहले तो हम ना जल्दी जल्दी 3-4 सीटियाँ बजाएंगे, उसके बाद जब गल जाएगी फिर कुक करेंगे। वैसे अगर मैं दाल को प्लान करके बनाऊँ तो फिर मैं रात को भी घो लेती हूँ, क्योंकि कुकिंग फिर आसान हो जाती है और उसका एक अलग मीठा वधिया फ्लेवर आता है। दाल अच्छी तरह वॉश हो चुकी है, कुकर में डाल के 15-20 सीटियाँ बजाते हैं। सो आज ऑयल की जगह मैंने देसी घी ऐड कर दिया है। एंड थोड़ा सा सीजनिंग कर देते हैं, सॉल्ट की, पेपर की, एंड थोड़े से जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लिटिल बिट हल्दी डाल देते हैं। सो दाल को स्टोव पे हमने रख दिया है। अब मैं करूँगी मेरे बाकी के काम। मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, एक बज गया ऑलरेडी। मेरे पास दाल को स्लो कुक करने का समय भी नहीं है, सो जल्दी से सीटियाँ बजाएंगे, उसके बाद इसको कुक तड़का लगा के थोड़ी देर खुला सिमर होने देंगे, उससे फ्लेवर आएगा अच्छा। आई होप अच्छी दाल बनेगी, प्यार से बनाएंगे, अच्छी बनेगी। आज मुझे एक वीडियो को एडिट करके अपलोड करना है, पर उसका कुछ पार्ट मुझे शूट भी करना है। सो दाल को रख के मैं वो शूट करने के लिए जाने वाली हूँ, क्योंकि दाल को थोड़ा समय तो लगेगा ही। एंड दूसरी चीज़ है कि कौन सी वीडियो अपलोड करूँगी आज मैं। आज मैं वीडियो अपलोड करने वाली हूँ कि हाउस वाइफ्स अपने टाइम को कैसे मैनेज करें, कि अपने लिए भी समय निकालें और अपने घर को भी लाइक टू द पॉइंट रखें। ऐसा कुछ है नहीं कि आपको कोई अवार्ड जीतना है, बट जब आपका घर ऑर्गेनाइज, क्लीन एंड अच्छा होता है तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है, आपकी रोज़मर्रा का जो टास्क है वो आसान हो जाता है, आपको ज़्यादा हैप्पी एंड पॉजिटिव फील होता है।
साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है, स्पिरिचुअलिटी के तरीके से भी, रिलीजन के तरीके से भी, कि आपका जो स्पेस है वो क्लीन एंड ऑर्गेनाइज होना चाहिए. पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतना क्लीन एंड टू द पॉइंट है और आप किसी को उसमें जीने ही नहीं दे रहे. ऐसे नहीं होना चाहिए. अपनी तरफ से क्लीन रखें, जो चीज़ें जहाँ पर जानी चाहिए वहाँ पर रखें, पर लोगों का जीना हराम मत करें कि सोफे पर मत बैठो, वो मत करो, वो मत करो. ऐसे नहीं मुझे अच्छा लगता है. क्लीन अच्छा लगता है, बट उसके बाद जो भी करना है करो. एंड ऑफ द डे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लें, सुबह उठते आधा, सुबह उठने के बाद आधा घंटा लगाए इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर दें, ताकि आपको अपना घर अच्छा लगे, आपको मज़ा आए घर में जीने का. सो यस, इसी के बारे में वो वीडियो है. जब तक ये व्लॉग जाएगा वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड होगी. अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं कोशिश करूँगी कि उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँ. ज़्यादातर मैंने चेता बोल जाना दोस्तों, आई एम वेरी वेरी सॉरी, पर वो मेरे चैनल में सबसे ऊपर ही होगी क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले अपलोड की है मैंने. राइट, मतलब मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ, ये पास्ट हो चुका है, नहीं वो पास्ट हो चुका होगा, ये फ्यूचर में होगा. मैं आपसे अलविदा लेती हूँ 10-15 मिनट के लिए. अपस्टेयर जाऊँगी मैं, मेरे प्यारे कोजी सेटअप में हम बचा हुआ पार्ट शूट करेंगे. पर उससे पहले इस एरिया को थोड़ा ऑर्गेनाइज करके, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ नहीं किया है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी इस मोर शॉप के काम करने के लिए. अगर आपको नहीं पता है मैं बता देती हूँ, मेरा अपना एक स्टोर है ऑनलाइन, जिसका नाम है simorshop.com. वहाँ पर हम बहुत प्यारी लैशेज सेल करते हैं, 3D फॉक्स पिंक लैशेज. मैंने आज पहन के भी रखी है, यह स्टाइल गोवा है, आजकल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये. एंड दूसरी चीज़ है कि हम 18 कैरेट गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी सेल करते हैं, जो कि वाटर रेजिस्टेंट है, उसको आप हमेशा पहन के रख सकते हैं, कोई स्क्रैचेस की चिंता नहीं है आपको. एंड मोस्टली हम सोल्ड आउट हैं, चिंता मत करें, बट बहुत सारी अच्छी बिग कलेक्शन आ रही है, ऑलरेडी रस्ते में है, रस्ते में नहीं है बट या कुछ हफ्ते में आ जाएगी. मैंने बहुत बहुत प्यारे पीसेज ऐड किए हैं. एंड ऑल्सो वो वाले पीसेज जो मैं पहनती हूँ, एंड बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि तुम कहाँ से लिया. सो वो एक्चुअली मेरा पीस था, इसलिए मैं बता नहीं पा रही थी, पर अब वो मेरी वेबसाइट पे आएगा. और बहुत मज़ा आता है कि जब आप सारे पहन पाएंगे. अब जो मेरा इन्फिनिटी नेकलेस था वो सारा सोल्ड आउट हो गया, और इतने सारे गैंग बन गया हमारा इन्फिनिटी नेकलेस का. और मुझे और बहुत सारी क्वारीज आती रहती है कि वो नेकलेस कब वापस आएगा. पहले मैं सोच रही थी कि सोल्ड आउट हो गया, सबने तो खरीद लिया, अब और क्या मुझे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. पर अभी भी बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने नहीं खरीदा है. इतना प्यारा है वो एवरी डे वेयर के लिए. सो यस, वो मैंने इस वाली कलेक्शन में फिर से ऐड किया है कि यस मुझे वो भी चाहिए, ऐड करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का भी मिला नहीं है. पर कुछ दिन की वेट है गाइस, आपको मिल जाएगा. अपना टाइमर ऑन करते हैं अराउंड 6-7 मिनट्स का, और इस सारे एरिया को ऑर्गेनाइज कर दिया. अचार जाएगा फ्रिज में, अचार ख़त्म होने वाला है वैसे, पर ये अचार बहुत डिलीशियस है. इसकी रेसिपी मेरे कुकिंग चैनल पे है, मिर्ची का अचार, या फिर ना आप चिल्ली पिकल्स. It's so hard. Don't tell me all your secrets, but don't just be showing off. I'm gonna tell the truth. It ain't that bad or good. Took L's and W's too. I'll be the last to start and the first to leave. Ooh, I'ma play the part unconvincingly. I got a lot on my mind. All my shit, I'm way behind. But if you check my pages, I'm doing fine. You'd think being smart was my hobby, acting dumb was my job. Being lazy is comfy, doing work is too much. Acting crazy is easy, and calming down ain't no fun. Now I'm finished, but you know I ain't done. So easy, don't tell me it's so hard. Don't tell me all your secrets, but don't just be showing off. I'm gonna tell the truth, it ain't that bad or good. Took L's and W's too. And I know we look perfect looking from the outside, cause my lady is lovely, but she ain't loving me right. It'll always be something in between her and I. It'll either be a bond or some guy. To paint the world is black and white, except for the green on the other side. Pave the way you never drive, until you follow behind.
heart. Don't tell me all your secrets, but don't just be sure. Just be sure. I'm gonna tell the truth. It ain't that bad or good. Two girls and double used to. कर दिया है, थोड़ा बेटर दिख रहा है ये। एक पार्ट शूट हो चुका है, एक होना है, पर समय बहुत ज्यादा हो गया है। 2:36 हिम्मत के आने का समय है एंड मैं जल्दी से दाल को तड़का लगा के राइस बना देती हूँ ताकि वो दाल राइस खा पाए। ओके, दाल अभी तक हुई नहीं है पर मैं तड़के की तैयारी करने वाली हूँ, तो आई डोंट नो मैं ज्यादा शूट कर पाऊंगी या नहीं क्योंकि वो लोग आने वाले हैं, पर आपको फिनिश प्रोडक्ट दिखाने की कोशिश करूंगी। One night I went to sleep at the end of a long week, and I thought you seemed withdrawn. Well, the truth of so Himmat apne school se leke aaya ye bahut pyari art. Guys, look at these trees. Ye Chinese language lag rahi hai. Maybe Mimi ne secret message chupaya hai iske piche. Mimi, tell me, what is the secret? So pretty. My name is Peter. And Among Us. Yeah, I'm a star. Hey, reading boy. What you reading? Kenki Koma Club Collaborations. Welcome back in my messy kitchen. मेरा ना कान इच्छी हो गया क्योंकि अब फील नहीं ला रही। सो हमारा खाना पीना हो चुका है, समय हुआ है 4 एंड हस्बैंड गए हैं अपने काम के लिए, उनको कोई शोइंग्स है उनकी एंड उसके बाद शायद वो कॉस्को जाएंगे प्रिस्क्रिप्शन पिक करने के लिए। सो तब तक मैं करती हूँ इस एरिया को क्लीन एंड देन हमें बाकी बचा हुआ जो पार्ट है वीडियो का वो शूट करना है, देन मैं एडिट करना शुरू करूँ। यार आज ना मुझे कपड़े एप्रन पहनने का याद नहीं रहा और यहाँ पे थोड़े से ना ऑयल के स्टेन्स हो गए, वेरी सैड, पर अब हम पहन लेंगे। सो आज की क्लीनिंग नंबर 2 हो गई कंप्लीट एंड मेरा नोज ना बहुत बुरी तरह कंजेशन, मेरा नोज कंजेशन ना बहुत बैड हो गया है, प्रेशर फील होना शुरू हो गया है। सो नोज को क्लीन करते हैं सलीम वाटर के साथ एंड आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड, रिलैक्स कर लिए थोड़ा सा। सो आई एम गोना रिलैक्स लिटिल बिट एंड आई स्टिल बी दुखा लग गया, नोज का कंजेशन ना सारे पास से फैल जाता। ओके दोस्तों, आराम करने के लिए अपस्टेयर तो मैं आ गई थी पर मैंने आराम नहीं किया, मैंने सोचा कि मैं मेरी वीडियो का पार्ट कर लूँ शूट, क्योंकि जब आप आराम करने के लिए बैठ जाते हैं ना फिर आपसे उठा नहीं जाता है, ये जो जैसा है ना फिनिश हो जाए तो हो जाए, रह गया तो रह गया। सो मैंने मेरी वीडियो का पार्ट तो फिनिश कर लिया है, मुझे पता नहीं अच्छा बना है या नहीं, पर इस बार मैंने सोचा है कि जितना भी बना मैं अपलोड कर दूँगी, क्योंकि मेरे साथ बहुत बार ऐसे होता है कि मैं चाहती हूँ कि मैं परफेक्ट चीज़ ही अपलोड करूँ एंड अगर मुझे थोड़ा सा भी अच्छा ना लगे तो फिर मैं माइनस कर देती हूँ, पर इस बार मैंने सोचा कि जितना भी है मैं अपलोड कर देना, मैं नहीं हूँ टेंशन लेनी क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ, क्योंकि इसका जो पहला पार्ट है मैंने कितने दिन पहले शूट किया था, वो भी गवा जाएगा, उसको लपटना भी बड़ा मुश्किल है, पर या इस बार हम चिंता नहीं करेंगे, अपलोड कर देंगे। एंड आपके साथ मैंने ना ये प्लांट शेयर करना था, ये मैंने प्लांट लिया था मुझे लग रहा लास्ट ईयर एंड ये बहुत पिद्दा सा था एंड बहुत ज़्यादा हैप्पी प्लांट है ये, देखिए कितना लंबा हो चुका है, लुक एट दिस,
बहुत प्यारा लगता है मुझे ये। टाइम कितना बिग हो चुका है इसको, मैंने ना हैंग करने की भी कोशिश की वॉल पे, हैंग नहीं हुआ पर बेचारा थी क्योंकि मैं इसको अब चेंज नहीं करना चाहती यहाँ से, क्योंकि ये इतना ना खुश है, अगर इसका स्पेस चेंज कर दिया तो शायद दुखी ना हो जाए, क्योंकि प्लांट्स का भी ऐसा है ना, जो उसको जगह अच्छी लग जाती है तो वहीं पे खुश होता है, अगर आप जगह चेंज कर देते फिर दुखी हो जाता है, तो ये मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। सो इसको यहीं पर रहने देंगे। आज ना बेड पे जाने के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, 10:30 हो रहे हैं, एंड हिम्मत को मुझे कोशिश होती है कि 8:30-9 बजे बेड पे चला जाए, पर वो मेरे बिना जाता भी नहीं है। एंड अभी मैं किचन को क्लीन कर रही हूँ, एंड मैंने स्किप कर दिया डिनर, मैंने नहीं खाया, ज़्यादा मेरा समय चला गया वीडियो को एडिट करने में, पर यस मैंने वीडियो एडिट कर दी है ऑलरेडी। टाइम मैनेजमेंट फॉर हाउस वाइफ्स, हाउस होम मेकर्स, कि कैसे आप अपने घर को ज़्यादा टाइम पे क्लीन रख सकते हैं, ऑर्गेनाइज रख सकते हैं, टिप्स एंड ऑल्सो कुछ समय अपने लिए भी निकाल सकते हैं। ज़रूर से देखना गाइस, बहुत प्यारी वीडियो है। जितना मर्जी टाइम हो जाए, लेट हो जाओ, डजंट मैटर, घर किचन को क्लीन करके जाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक तो मुझे सुबह जब मैं आती हूँ अच्छी वाइब आती है कि क्लीन किचन है, चाय बनाने के लिए भी मन करता है। दूसरा, आपकी किचन का, आपके घर का ऑर्गेनाइज एंड क्लीन होना आपके माइंड पे बहुत ज़्यादा असर डालता है, एंड बरकत एंड हैप्पीनेस भी उसी घर में आती है जहाँ पे आपको उसको अच्छे ढंग से रखना आता है। तो प्लीज़ अपनी किचन को क्लीन करके ही जाया करें। सो अब मेरी दवाई खाने का समय आ गया है, सोने से पहले मुझे दवाई खानी होती है। सो क्या हुआ है कि दाल को मेरे पास समय नहीं है फ्रिज में रखने का, दोपहर में बनाई थी और इसमें खूब सारा टमाटर भी है, पर आज थोड़ा ठंडा दिन ही है तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, पर यह है कि मैंने दाल को अच्छी तरह गर्म कर दिया। बाकी जो लेफ्ट ओवर सब्जियाँ थी वो हस्बैंड और उनके दोस्त ने खा ली है। बाहर कैसी रोशनी है, हमारे यहाँ पे सन काफ़ लाइक 10:30 तक रोशनी रहती है, 10:30-10:15 हुए हैं। ओके सो यस दोस्तों, आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके पास कोई भी रिक्वेस्ट है या कोई भी क्वेश्चन है मेरे लिए, उसे कमेंट बार में ज़रूर से छोड़ना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना, मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाए, क्योंकि बहुत प्यारी वीडियोज़ बनाती हूँ मैं, आप मिस नहीं करना चाहेंगे मेरी वीडियो। हस्बैंड कह रहे हैं कि सेम चीज़ ही बोलते रहते हो, पर क्या करूँ, आप सब्सक्राइब करते नहीं हैं, आपको करना चाहिए। एंड मैं आपको मिलती हूँ कल नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर, स्टे हैप्पी, ट्राई टू स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग। हम लोग इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, बस एक बार सोच लें कि मुझे ये करना है, पर उसके बाद एक्शन लेना है, दैट्स इट।